हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है। सो आज मैं सोच रही थी आप लोगों को होम टूर करवा देती हूँ, तो किस बात की देरी है, चलिए होम टूर करवा ही देती हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि ये सोचते होंगे ना कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो चलिए फिर आज दिखाती हूँ मैं कहाँ पे रहती हूँ। एंड आप लोगों को पता ही है डेली रूटीन जो है, मम्मी एंड भैया रहते नहीं है एंड नानी भी अभी गाँव पे है, सो सिर्फ अभी मैं और राहुल है घर पे। तो मुझे बोर भी फील हो रहा था, मैं सोच रही थी कि कंटेंट क्या लाओ, एंड मतलब कंटेंट की बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्या ऐसे कुछ दिखाऊं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं होम टूर ही करवा देती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा फील होगा। सो ये रहा मेरा घर, यहाँ से एंट्रेंस है, और ये रहा मेरा पुराना घर जहाँ पे मैं पहले रहती थी। एंड वो जो पानी का टंकी देख सकते हैं, ये हम लोग का ही है। एंड यहाँ से लोग जा भी सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये जो रूम आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही रूम ठंडा रहता है, तो पसंद है ये रूम हम लोग को, हम सुबह शाम यहाँ पे बैठते हैं मोस्टली। एंड ये रहा भैया का रूम, फिलहाल भैया रूम में है नहीं। एंड इस साइड जाने से ये मेरा रूम है, पहले ब्लॉग में आप लोग ने देखा ही होगा। एंड यहाँ पे जो मेरा फिश बाउल है आप देख सकते हैं, जो मछली इतना अच्छे से खेल रही है। एंड कुछ खास नहीं है, बट यहाँ यही मेरा रूम है, जो मुझे इतना पसंद नहीं डेकोरेट करना, जो भी मैं डेकोरेट करती हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा है। ये मेरा फेवरेट ड्रीम कैचर, और एक है मैं दिखाऊंगी, और ये मेरा फेवरेट मिरर, बस यही है मेरे रूम में, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है मेरा रूम। एंड ये है मेरा और एक फेवरेट ड्रीम किचन। एंड ये रहा मेरा नानी का रूम, नानी आने से यहाँ पे मोस्टली सोती है। एंड ये रहा डाइनिंग हॉल जहाँ पे हम लोग खाते लंच वगैरह जो भी है, खाना खाते यहाँ पे। ये हम लोग का घर का फ्रंट का नज़ारा है, यहाँ एंट्रेंस में देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स है। एंड यहाँ से जाने से आपको गणेश जी भी मिलेगा, यहाँ पे गणेश जी हम लोग रखते हैं, सब बोलते हैं कि गणेश जी रखने से अच्छा पॉजिटिविटी आता है, अच्छा होता है। एंड ये रहा ड्राइंग रूम जहाँ पे मेहमान आने से बैठते, यहाँ पे भी मैंने छोटा छोटा गणेश जी रखा है, सो पीसेस। यहाँ हम लोग का किचन अभी क्लीन नहीं हुआ है, थोड़ा सफाई करना बाकी है, सो थोड़ा मैसी है। ये पीछे वाला रास्ता है, यहाँ पे वॉशरूम है। एंड यहाँ से जाने से आप लोग को दिखाई देगा हम लोग का गार्डन, जो सुपारी का गार्डन है, वो आगे वाले ब्लॉग्स में भी मैंने दिखाया था थोड़ा सा। सो यही रहा। सो यहाँ पे ठंड का टाइम में हम लोग ज़्यादा मतलब बैठते, आग उग जलाते, ये किचन बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग ओट्स वगैरह रखते हैं, और यहाँ पे गार्डन में जाने से आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो एक चिड़िया का घर है, पीजन का घर है, और यहाँ पे बटख एंड चिकन वगैरह रहते हैं। एंड पीछे तरफ हम लोग का जो फिशरी है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। का पीछे से आने से ये आपको दिखाई देगा फिशरी, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। एंड ये है बस, एंड देख सकते हो आप सुपारी का पेड़, ये सुपारी, बहुत सारा सुपारी यहाँ पे गिरा हुआ है।
ये है शॉर्टकट रास्ता, इस साइड जाने से मेरा चाची का घर है। इस एक दिन मैं आप लोग को चाची का घर भी टूर करवाऊंगी। ये है चाची का घर, इस तरफ जाते एंड नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है क्योंकि धूप भी दे रहा है एंड हल्का हल्का हवा भी आ रहा है, तो फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं बाद में क्या होगा क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड मम्मी को बहुत सारा प्लान्स पसंद है, सो इसीलिए बहुत सारे प्लान्स हैं हम लोग घर में, फूल वगैरह एंड ऑल। एंड इस साइड आप देख सकते हैं, ये हम लोग का पुराना गैरेज है एंड उस साइड मेरा कैफ़े है। अब फ़िलहाल तो कैफ़े बंद है क्योंकि बहुत दिन हो चुका है मैंने कैफ़े बंद रखा है ड्यू टू पर्सनल इश्यूज़। एंड ये है पुराना गैरेज एंड ये हम लोग का पुराना घर है, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है तो भैया लोग यहाँ पर रहते एंड बस यही है आज का होम टूर। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप देख सकते हो धूप कितना लगा हुआ है, बहुत धूप दे रहा है एंड गर्मी बहुत है। एंड अचानक से चाची ने फ़ोन किया था, चाची को एलोवेरा चाहिए, तो अभी मैं चाची के पास जाऊंगी एलोवेरा देने, तो फिर चलिए चाची का घर एलोवेरा देने चलते हैं। ये रहा एलोवेरा जो मैं चाची के घर में देने जा रही हूँ। मैं फाइनली चाची के घर पहुँच गई, ये बैक साइड है चाची एंड वहाँ पे रही मेरी बहन एंड ये रहा मैंगो। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।